फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा साइट मैप के बारे में। साइट मैप बहुत ही आसान टॉपिक है और मैं इसको और आसान करके बताऊंगा। दो तीन मिनट के वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। लेट्स बिगिन। दोस्तों साइट मैप, साइट, वेबसाइट, मैप, नक्शा यानी कि साइट का नक्शा, यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको एक ही नज़र में ये समझा दे कि साइट पर कहाँ पर क्या है। नक्शे का यूज़ यही होता है ना कि कहाँ पर क्या आप यही देखते हो, तो इसी तरीके से साइट मैप का यूज़ होता है। साइट मैप ज़्यादा करके दो लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं, HTML साइट मैप और XML साइट मैप। साइट मैप क्या होता है ये तो क्लियर हो गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको ये समझा दे कि कहाँ पर क्या है। इसकी ज़रूरत कई लोगों को पड़ती है। कई लोग पूरी वेबसाइट को छानना नहीं चाहते हैं, वो एक साइट मैप देखना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि कहाँ पर कौन सा पेज है, फिर वो उस पेज पे जाना चाहते हैं। रिसर्चर्स को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वेब रिसर्च करने वाले कई बंदे होते हैं। इसके अलावा जो गूगल के बॉट्स होते हैं या किसी भी सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं, उनको भी एक साइट मैप की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि उनका काम साइट मैप के बिना चलता नहीं है, लेकिन अगर साइट मैप होता है तो ये आपके लिए अच्छा है कि आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी वेबसाइट का अगर साइट मैप है तो गूगल के क्रॉलर या किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर्स को आसानी होगी आपकी साइट को समझने में, आपकी साइट के पेजेस को पढ़ने में, कहाँ पर क्या है उसको लोकेट करने में, और आप ही के लिए अच्छा है कि ऑर्गेनिक विजिट आएगी। तो क्या होता है ये तो समझा दिया। दो लैंग्वेजेस में होता है, XML और HTML। HTML में इसलिए बनाते हैं ताकि ह्यूमंस उसको रीड कर पाएँ। हम और आप जब एक वेबसाइट को देखते हैं तो जो टेक्सचुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है आसानी से हम उसको पढ़ पाते हैं कि कहाँ पर क्या है। उसमें पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम, कुछ भी आप चाहो यूज़ कर सकते हो। HTML साइट मैप का पर्पज़ होता है कि ह्यूमंस उसको रीड कर पाएँ, वो समझ पाएँ कि कहाँ पर कौन सा पेज है, कहाँ पर क्या लोकेटेड है। XML साइट मैप आपको वेबसाइट पर ऐसा ही नहीं दिखता। XML साइट मैप का पर्पज़ ये होता है कि जो क्रॉलर्स होते हैं, जो बॉट्स होते हैं, वो उनके लिए ये बनाया जाता है ताकि वो जो क्रॉलर्स होते हैं वो समझ पाएँ कि कहाँ पर कौन सा पेज है, कहाँ पर क्या लोकेशन है। और XML साइट मैप होना बहुत ज़रूरी है। कई बार यह होता है कि HTML साइट मैप हो या ना हो ठीक है, चल जाती है गाड़ी, लेकिन अगर XML साइट मैप नहीं है तो आपको शायद नुकसान हो सकता है। अगर आपकी वेबसाइट दूसरे SEO फैक्टर्स में अच्छी नहीं है और आपका XML साइट मैप भी नहीं है, नुकसान हो सकता है। होना अच्छा है, अगर है तो नुकसान कभी नहीं होगा, फ़ायदा चाहे हो या ना हो नुकसान कभी नहीं होगा। तो इसलिए आप हमेशा XML साइट मैप का अपनी वेबसाइट पर यूज़ करिए। XML साइट मैप जब आपके पास होता है तो एज अ वेब मास्टर आप गूगल कंसोल में उसको सबमिट कर सकते हैं, और नहीं भी सबमिट करते हैं तो वो अपने आप क्रॉलर्स रीड कर लेते हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि वो जल्दी इंडेक्स हो जाए तो आप उसको मैनुअली सबमिट कर सकते हैं। और इससे फ़ायदा ऑफ कोर्स ये होता है कि इंजन्स को, सर्च इंजन्स को पता लग जाता है आपकी वेबसाइट के बारे में, पूरी की पूरी वेबसाइट की जानकारी एक ही बार में मैप के थ्रू उनको पता लग जाती है। आसान हो जाता है आपकी वेबसाइट का रैंक होना, और रैंक होने पर फ़ायदा क्या होता है ये आपको मालूम है कि विजिट्स आती हैं, ट्रैफिक आता है, सब इसके पीछे पागल है। तो साइट मैप ज़रूर यूज़ करिए, फ़ायदा हो या ना हो नुकसान बिल्कुल नहीं है, और ज़्यादातर फ़ायदा ही होता है। यदि छोटी सी जानकारी साइट मैप के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के टेक्नोलॉजी ज्ञान वाले वीडियोस मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।